अब हम 17वां समूह पढ़ेंगे। 17वां समूह हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार का नाम हैलोजन क्यों पड़ा? हैलोजन में दो शब्द है, हैलो जेन, हैलो यानि सॉल्ट और जेन यानि फॉर्मिंग, तो सॉल्ट फॉर्मिंग। तो इस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी में प्रायः लवण बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो सॉल्ट फॉर्मिंग या सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ये पूरे तत्व होते हैं। हैलोजन परिवार में जो मुख्य सदस्य हैं वे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसमें भी ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, एस्टेटिन 85। इस परिवार का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होता है NS2NP5। NS2NP5 में NPX2, NPY2 और NPZ1। तो यदि हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेंगे तो फ्लोरीन के लिए होगा 2s2 2p5, क्योंकि वो दूसरे आवर्त का सदस्य है। क्लोरीन के लिए लेंगे तो 3s2 3p5, ब्रोमीन 3d10 4s2 4p5, आयोडीन 53 है तो 4d10 5s2 5p5, एस्टेटिन के लिए 85 4F14, 5D10, 6S2, 6P5। तो इस प्रकार सभी में हम देखते हैं कि बाह्यतम कोश में NS2, NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सभी में जब हम देखते हैं तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर जल्दी से जल्दी अक्रिय गैस के कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने की क्षमता होती है। तो ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर तुरंत अष्टक को कंप्लीट करने की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन इसे प्राप्त होता है ये तुरंत ही अष्टक वाले किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है, या अपने बाह्यतम कोश के अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो जब भी यह किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो धातु के साथ क्रिया करके ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl में सोडियम एवं क्लोरीन के बीच में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और दोनों ही अपने अपने अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। साथ ही इस परिवार में सहसंयोजक बंध बनाने की भी प्रवृत्ति होती है, जैसे यदि Cl2 बनाते हैं तो Cl आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो जब वे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो भी उसमें अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार Cl2 में सहसंयोजक बंध दिखाई देता है और NaCl में, यानी जब ये धातु के साथ क्रिया करके एक लवण बनाता है तो यहाँ आयनिक बंध दिखाई देते हैं। तो ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और तुरंत अष्टक को प्राप्त करते हैं। ये अत्यंत क्रियाशील भी होते हैं, तो प्रकृति में ये संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6। यहाँ पर जो एस्टेटिन है ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है और इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्धायु काल है, वो 7.2 आवर होता है। प्रकृति में हैलोजन परिवार के जितने भी होते हैं उनके वेट के आधार पर यदि हम इसके मात्रा को देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वेट के आधार पर इसको कंपेयर करेंगे, फ्लोरीन परसेंटेज के हिसाब से यदि पार्ट पर मिलियन परसेंटेज वेट के आधार पर इसको देंगे तो फ्लोरीन के लिए मात्रा है 544, क्लोरीन 126, ब्रोमीन 2.5, आयोडीन 0.46। तो फ्लोरीन जो है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 13वें नंबर का तत्व है, जो भार की दृष्टि से 13वें नंबर का होता है। क्लोरीन 20वें नंबर का सदस्य है भार की दृष्टि से, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम
विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो प्रकृति में किन किन रूपों में पाए जाते हैं उसको जानेंगे। जो फ्लोरीन है वो संयुक्त अवस्था में फ्लोर स्पार के रूप में यानी CaF2 के रूप में पाया जाता है। सोडियम Na3AlF6 यानी क्रायोलाइट, यहाँ भी फ्लोरीन है। इसी प्रकार Ca5PO4F ये भी एक फ्लोरीन का यौगिक होता है। फ्लोरीन मिट्टी में भी पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में, साथ ही जंतुओं के हड्डियों में, दांत में भी ये पाए जाते हैं फ्लोराइड्स के फॉर्म में, और नदी तालाब में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसमें भी बहुत कम मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है। हेलोजन परिवार के जो सदस्य हैं जब ये लवण बनाते हैं तो ये तीन प्रकार के लवण बना सकते हैं, MX प्रकार का लवण, MX2 प्रकार के लवण और MX3 प्रकार के लवण। तो MX, MX2 और MX3 तीन प्रकार के लवणों का निर्माण ये कर सकते हैं। क्लोरीन कई प्रकार के लवण के रूप में समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2। इसी प्रकार NaBr, KBr, MgBr2, CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड, NaI, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI, मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2, कैल्शियम आयोडाइड CaI2। कार्नेलाइट के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इसका सूत्र है KCl.MgCl2.6H2O। आयोडीन जो है वो सीवीड्स में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो सीवीड्स में आयोडीन का जो स्रोत है वो 0.5% होता है। सॉल्ट पीटर में भी आयोडीन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इस परिवार के जो मुख्य गुण हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, तो इस परिवार में भी फ्लोरीन से लेकर जब एस्टेटिन तक पहुँचते हैं तो परमाणु आकार निश्चित रूप से ही बढ़ेगा, क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश तो बढ़ता ही है लेकिन परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने के कारण, कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। यदि आयनिक त्रिज्या भी देखें तो आयनिक त्रिज्या ये आयन्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो अगर हम क्लोरीन और क्लोराइड आयन को कंपेयर करते हैं तो क्लोराइड आयन की जो त्रिज्या होगी वो हमेशा क्लोरीन से अधिक होती है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। जब हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है और 17 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो उसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा जो ऋणात्मक या ऋण आयन होते हैं वो अपने संगत परमाणु की तुलना में बड़े होते हैं। और आयनिक त्रिज्या की जब हम बात करेंगे इस परिवार में तो वह आयनिक त्रिज्या का मान भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोशों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस परिवार में धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। अगला गुण है आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसी भी विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो इस परिवार का जो आकार है यदि पूरे आवर्त सारणी में तुलना किया जाए तो सबसे छोटा ही होगा, क्योंकि जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है, तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा। तो पूरे आवर्त सारणी में इसके लिए जो आयनन ऊर्जा का मान होगा वो अधिक होता है। तो फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा का मान अपने परिवार में सबसे अधिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन आकार में छोटा होता है, तो आकार में छोटे होने के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्लोरीन अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिसके लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। और जैसे जैसे वर्ग में यानी हैलोजन परिवार में ही ऊपर से नीचे आएंगे तो चूंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती जाएगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला गुण है ऋण विद्युता। इस परिवार में ऋण विद्युता का मान सर्वाधिक होता है।
इसका कारण ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर तुरंत अक्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन तक या अक्रिय गैस विन्यास तक पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। तो ये उच्च ऋण विद्युती तत्व होते हैं। तो पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। इस परिवार में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋण विद्युता का मान घटेगा क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर भी ऊपर से नीचे आने पर ऋण विद्युता का मान घट रहा है। देखिए फ्लोरीन के लिए 4, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3, आयोडीन 2.7, एस्टेटीन 2.2। तो ऊपर से नीचे आने पर ऋण विद्युता का मान घटता जाता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी जब भी किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऋणात्मक होता है। तो इस परिवार के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम होगी क्योंकि आकार बढ़ रहा है, नाभिक आकर्षण कम होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी यहाँ पर कम होता जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्लोरीन का होता है। इस परिवार में होना चाहिए फ्लोरीन का क्योंकि हमने ये जाना कि जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति उसकी उतनी अधिक होती है। लेकिन फ्लोरीन के साथ यहाँ कुछ विपरीत प्रभाव भी कार्य करने लगते हैं। एक तो फ्लोरीन अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है, इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। और यहाँ पर जो 2p इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह पर समाये हुए होते हैं, तो 2p इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण इतना ज़्यादा हो जाता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति फ्लोरीन का आकर्षण बहुत ही कम होगा। तो नियम से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन में 2p इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण इतना अधिक है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति फ्लोरीन का आकर्षण कम होता है। तो कम आकर्षण है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाएगा आसानी से। क्लोरीन के ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। फ्लोरीन के लिए जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है वो -328 किलो जूल पर मोल है, जबकि क्लोरीन के लिए -349 किलो जूल पर मोल होता है। तो क्लोरीन के लिए ऋणात्मक गेन एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये अपवाद है, फ्लोरीन का कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, जबकि क्लोरीन का अधिक होता है। अब हम इस परिवार के कुछ विशेष गुणों को जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अवस्था। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस रूप में होता है, ब्रोमीन द्रव रूप में पाया जाता है, आयोडीन ठोस रूप में होते हैं। रंग, हेलोजन रंगीन होते हैं। ये रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये थोड़ी सी ऊर्जा पाकर तुरंत ही उच्च ऊर्जा स्तर में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं और इस दौरान वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से जिस रंग को अवशोषित करते हैं उसका जो पूरक रंग है वो हमें दिखाई देता है। तो हैलोजन परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं वो अलग अलग क्वांटम वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए जब वो हमें दिखाई भी देते हैं तो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरीन का जो रंग है वो पेल येलो होता है, यानी हल्का पीला होता है। क्लोरीन हरा पीला होता है, जबकि ब्रोमीन लाल भूरा रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन जो है वायलेट होता है। तो ये कारण यही है कि अलग अलग रंगों का कारण ये है कि ये भिन्न भिन्न क्वांटम को अवशोषित करते हैं और इसलिए ये भिन्न भिन्न रंग के भी दिखाई देते हैं। जल में विलेयता, फ्लोरीन और क्लोरीन
जल में विलेय होते हैं। ब्रोमीन आयोडीन जल में आंशिक रूप से विलेय होते हैं, जबकि क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलेय होते हैं। धात्विक गुण, हेलोजन परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु गुण में वृद्धि होगी, क्योंकि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। और धात्विक प्रकृति में हम समझते हैं कि जब भी कोई धातु है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। भले ही इस परिवार में धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण घटता है। अगला है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो इस परिवार में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ आकार में वृद्धि हो रही है, तो इस आधार पर जो मॉलिकुलर वेट है वो भी बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ेगा। अगला गुण है घनत्व। इस परिवार में फ्लोरीन से आयोडीन तक जैसे जैसे हम जाएंगे तो घनत्व के मान में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि यहाँ भी मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, तो घनत्व के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर परमाणु भार में वृद्धि होती है, तो घनत्व के मान में भी वृद्धि होगी। इस परिवार में बंध वियोजन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, तो Cl, Cl, Br, Br, II के बीच जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये बंध दुर्बल होता जाता है। लेकिन F2 के लिए जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वो क्लोरीन से कम होता है। यहाँ पर यह एक अपवाद वाला प्रश्न बनता है कि F2 के लिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम क्यों है, क्योंकि F का आकार अत्यंत छोटा होता है, तो 2p इलेक्ट्रॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण है वो बहुत अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान FF के लिए बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर प्रतिकर्षण यहाँ बढ़ जाता है, और क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण है, लेकिन ये ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैला होता है, जबकि फ्लोरीन अपने पूरे आवर्त सारणी में सबसे छोटा सदस्य होता है, तो इस कारण वहाँ पर लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक होगा, तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और पूरे परिवार की यदि हम तुलना करें तो ऊपर से नीचे आने पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। अगला गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। चूँकि इस परिवार का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2NP5 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक बनाने के लिए ये आपस में साझा भी कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और गेनिंग दो प्रकार से क्रिया कर सकते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही यहाँ संभव है, लेकिन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है, सभी में पाया जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसकी अधिक होती है, तो -1 के साथ साथ ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका कारण है कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है और इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण यह केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्थायी होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये तब होती है जब ये हैलोजन, जो छोटे हैलोजन होते हैं, या उच्च ऋण विद्युति फ्लोरीन और ऑक्सीजन से संयोग करते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तभी दर्शाते हैं जब ये उच्च ऋण विद्युति तत्व या जो छोटे हैलोजन है जैसे फ्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, +3, +5 और +7। इस परिवार में जो धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रवृत्ति है उसके द्वारा ये कई प्रकार के यौगिक भी बनाते हैं, तो जैसे अंतर हैलोजन यौगिक है वहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका धनात्मक होगा, कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट धनात्मक होते हैं, और ऑक्सो एसिड
वहाँ भी ये धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण देखिए, जो अंतर हेलोजन यौगिक होते हैं, यहाँ हेलोजन हेलोजन आपस में क्रिया करके अंतर हेलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें एक हेलोजन कम ऋण विद्युती होता है और दूसरा हेलोजन उससे ज़्यादा ऋण विद्युती होते हैं। तो प्लस वन जैसे एक्स, इसमें जो अंतर हेलोजन जो होते हैं उसमें कुछ उदाहरण है ए एक्स प्रकार का, तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ए एक्स थ्री प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, ए एक्स फाइव प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, ए एक्स सेवन प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वहाँ भी ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्स टू ओ टाइप प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स टू ओ टू प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स ओ टू प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स टू ओ फाइव प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स ओ थ्री प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्स टू ओ सेवन प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ जो ऑक्सो एसिड होते हैं, ऑक्सो एसिड में भी ये धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उदाहरण है हाइपोहेलस एसिड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलस एसिड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलिक एसिड प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट और पर हेलिक एसिड प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है हेलोजन की, तो जब ये किसी धातु से क्रिया करते हैं तो धात्विक लवण का निर्माण करते हैं। तो जैसे X2 जब M से क्रिया करता है तो MX2 प्रकार से, और X2 जब A से क्रिया करता है तो AX2 प्रकार से ये रिएक्ट हो सकते हैं। और जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता कम होती जाती है। ये एक अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, जो दूसरे हैलाइड आयन होते हैं उसके विलयन में या ठोस प्रावस्था में इसको ये ऑक्सीकृत कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन प्लस 2x- इज इक्वल टू 2f- प्लस x2, क्लोरीन प्लस 2x- इज इक्वल टू 2cl- प्लस x2, Br2 प्लस 2i- इज इक्वल टू 2br- प्लस i2। तो ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, और जो दूसरे हैलाइड आयन होते हैं उसको उसके विलयन में या ठोस प्रावस्था में ये ऑक्सीकृत कर पाते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर यह गुण भी घटता जाता है। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्लोरीन से भी ज़्यादा ये ऑक्सीकारक होता है। तो इसके ऑक्सीकारक गुण को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या जो जल योजन ऊर्जा है, इन सब चीज़ों को भी हम लेकर इस पद को समझेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है फ्लोरीन की, वो तीन कारकों पर डिपेंड करती है, बंद वियोजन एंथैल्पी या डेल्टा डिसोसिएशन एच नॉट लिखा है, ये बंद वियोजन एंथैल्पी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो इसकी ऋणात्मक होती है लेकिन क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक होती है, जल योजन एंथैल्पी डेल्टा हाइड्रेशन एच वाई डी से लिखा है एच नॉट। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो कि ई ज़ीरो के मान को भी प्रभावित करता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव के मान को भी ये प्रभावित करता है। तो हम एक उदाहरण से समझेंगे, हाफ एक्स टू ये गैशियस फॉर्म में है, जब इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन होता है, तो ये एक्स में परिवर्तित हुआ गैशियस स्टेट में, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो x- में ये परिवर्तित होता है, और जब जल योजन एंथैल्पी जब जल के अणु का एडिशन होता है, जल का अणु जुड़ता है तो ये x- एक्वस फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है, यानी वहाँ जल का अणु वहाँ पर जुड़ गया है। तो इस पूरे अभिक्रिया में, इस पूरे अभिक्रिया के दौरान तीन प्रकार की ऊर्जा है, बंद वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जल योजन एंथैल्पी। तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो बंद वियोजन ऊर्जा का मान है वो धनात्मक होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और जल योजन एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। तो फ्लोरीन जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और इस पूरे अभिक्रिया में यदि एक पद में इसे देखेंगे तो हाफ एक्स टू डायरेक्टली चेंज हो रहा है एक्स माइनस एक्वस में, तो यहाँ भी डेल्टा एच में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसका कारण यही है कि इसमें जो एफ एफ
एफ के बीच जो बंद वियोजन ऊर्जा का मान है वो कम होता है। और बंद वियोजन ऊर्जा का मान कम इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। और दूसरा कारण यह है कि जो फ्लोराइड आयन है उसमें जल योजन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, तो तीसरे पद में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो बहुत अधिक है और प्रथम पद में कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फ्लोरीन जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर सकता है, तो फ्लोरीन जब जल से क्रिया करता है तो रिएक्शन होगा 2F2 + 2H2O = 4HF + O2। तो फ्लोरीन से ऑक्सीजन बना जब इसकी क्रिया जल से कराई गई, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन इस प्रकार से रिएक्शन नहीं देते हैं। तो Br2 + H2O = HBr + HOBr, तो हाइपोब्रोमस अम्ल या हाइड्रोहेलिक अम्ल बनते हैं। तो जब ये ब्रोमीन एवं क्लोरीन जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोहेलिक अम्ल या हाइपोहेलस अम्ल बनाते हैं। तो Cl2 + H2O = HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। तो फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसको हमने विभिन्न तरीके से समझा।